हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट बीन मैं अभिषेक कुमार मैग्नेट मैगनेटींस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100 परसेंट फ्री एजुकेशन दे रहा है सारी बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स यहां पे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं तो यहां पे चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो चाहे संस्कृत का सब्जेक्ट हो चाहे वो कंप्यूटर्स हो चाहे वो आपका ए का सब्जेक्ट हो चाहे आपका पी का सब्जेक्ट हो या आपका संस्कृत का सब्जेक्ट तो मैं कहूंगा यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट आपको कंप्लीट एनसीआर बुक की थ्योरी कंप्लीट बेस्ट पब्लिशर्स

चेक करिए तो चलिए हम लोग इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं तो प्रैक्टिस शीट टेन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पहला सवाल आपकी प्रैक्टिस शीट में क्या था तो पहला सवाल था कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर अगर पानी पांच किलोमीटर की स्पीड हर एक घंटे में इस स्पीड से बह रहा है तो थ्रू अ पाइप ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर और जिस पाइप से वो बह रहा है उस पाइप का डाया आपको 14 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है

अगर सात सेंटीमीटर की हाइट चाहिए मतलब मान लो यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर टैंक है और इस रेक्टेंगुलर टैंक की अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ पता है तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर टैंक का डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए चीज़ें क्या है अच्छे से समझ आएंगी तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये चीज बना ली चलिए ये है आपका रेक्टेंगुलर टैंक इस टैंक की लेंथ कितनी है तो वो है 50 मीटर ठीक है और इसकी ब्रेथ कितनी है तो ये है फोर्टी फोर मीटर हाइट कितनी हाइट मतलब सात सेंटीमीटर की अगर हाइट पानी भर जाता है तो सेवन सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है बाकी यूनिट्स मीटर में है तो एक काम करो पहले तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो हाइट ऑफ टैंक यहां से मैं चीज को चालू कर रहा हूं तो हाइट ऑफ टैंक क्योंकि मुझे सेवन सेंटीमीटर दी है तो हर एक मीटर देखो कन्वर्जन भी साथ साथ सिखा रहा हूँ हर एक मीटर क्योंकि बराबर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के तो इसका मतलब एक सेंटीमीटर बराबर होगा वन बाय हंड्रेड मीटर के और इसी का मतलब सेवन सेंटीमीटर जो होगा तो सेवन सेंटीमीटर बराबर होगा कितने के तो सेवन बाई हंड्रेड मीटर के ये चीज समझ आ रही है तो सेवन सेंटीमीटर सेवन बाई हंड्रेड मीटर के बराबर होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेवन बाई हंड्रेड मीटर आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी ठीक है अब ध्यान से देखना अगर इस टैंक में पानी भरा है एज्यूम करो इस टैंक में पानी भरा है तो कितना वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसका मतलब लेंथ आपको दी है 50 मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ आपको दी है 44 मल्टीप्लाइड विद हाइट आपको दी है 7 बाय हंड्रेड मीटर तो ये पूरा मीटर क्यूब में यहां पर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ठीक है तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो देखो शून्य से शून्य कटता हुआ दिख रहा है पांच से दस टू टाइम्स और टू से फोर्टी फोर तो छोटा होता हुआ दिख रहा है मुझे शून्य से शून्य काट दिया पाँच से ये टेन काटा टू टाइम्स और इस टेन से ये फोर्टी फोर काटा ट्वेंटी टू टाइम्स ठीक है तो टू इंटू टू फोर टू इंटू टू इज फोर तो यहां पे यह आ जाएगा ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विद सेवन मीटर क्यूब इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो सर ऐसे क्यों छोड़ दिया भाई क्वेश्चन को पढ़ो सवाल में क्या दिया है सवाल में यह बोला है कि यह पानी का अगर वॉल्यूम है इस टैंक के अंदर तो कितने टाइम में फिल हुआ होगा आपको यह पता करना है व्हाट टाइम मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट टाइम विल बी टेकन टू फिल दिस मच वॉल्यूम ठीक है कितना समय लगेगा तो एक काम करूं इस चीज को मैंने यही छोड़ दिया अब पानी बह के कहाँ से आ रहा था तो पानी क्योंकि बह रहा था एक पाइप में से तो पाइप को मैं मान लेता हूँ सिलेंड्रिकल ठीक है अब जो पाइप में से पानी बह रहा था अगर वो पाइप सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पे ये रही आपकी पाइप ठीक है और पाइप अगर सिलेंड्रिकल है तो इस पाइप का डाया मतलब आपके सामने जो रेडियस है डायमीटर दिए 14 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर ठीक है इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं तो ये रेडियस हो गया सेवन सेंटीमीटर अब कितना वॉल्यूम निकला एक घंटे के अंदर तो कितना वॉल्यूम निकला एक घंटे के अंदर वो आपको दिया है पांच किलोमीटर पर आवर ठीक है तो क्या दिया वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायामीटर फोर्टीन सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक तो सात सेंटीमीटर दिया है तो एक काम करो सेंटीमीटर दिया है मीटर दिया है सेवन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में यूनिट दिया है तो यहां पे क्योंकि मीटर क्यूब में आया है तो यहां पे भी हम सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज कर लेते हैं तो यहां पे भी ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा आपका सेवन बाय हंड्रेड मीटर सेवन बाय हंड्रेड मीटर्स में चेंज हो जाएगा ठीक है अब कितना लेंथ अगर मुझे लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पाइप टू ठीक है तो वो मैं बोल रहा हूं पांच किलोमीटर तो वॉल्यूम जो बह रहा है इसमें से मतलब जो स्पीड दी है अगर मैं ऐसा बोलूं कि फाइव किलोमीटर पर अवर, पर अवर का मतलब इन वन आवर इन वन आवर अगर पांच किलोमीटर एक अवर दिया है तो इस पांच किलोमीटर को क्या मैं मीटर में चेंज कर सकता हूं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा बराबर कितना पांच हजार मीटर इन वन आवर ऐसे ही होगा तो अगर मैं इसी को लेंथ मान लू कि एक हजार मीटर एक घंटा अगर मैं पानी रोक दूं यहां पे तो एक घंटे का अगर मैं पकड़ लूं इसकी लेंथ पांच हजार मीटर तो पांच हजार मीटर और यहां पे रेडियस अगर सेवन बाय हंड्रेड मीटर है तो कितना वॉल्यूम निकल रहा है पानी का तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन वन आवर बात को समझना एक घंटे में ठीक है एक घंटे का पानी इसमें रोक दिया तो ये इसकी लेंथ बन जाएगी पांच हजार मीटर तो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन वन आवर इज इक्वल टू पायर स्क्वायर एच सर ये क्यों कर रहे हो भाई वॉल्यूम चेक कर रहा हूं मैं पाइप का वॉल्यूम चेक कर रहा हूं तो पाई पाईआर स्क्वायर एच का मतलब होता है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है आपका सेवन बाय हंड्रेड ठीक है मल्टीप्लाइड विथ सेवन बाय हंड्रेड अब ये पूरी चीज मैं सेंटी मीटर्स uh, में ले रहा हूं ठीक है और हाइट हाइट देखो ये भी मीटर में है तो इंटू पांच हजार ये मैंने पांच हजार के साथ कर दिया तो ये कितना निकल के आएगा तो देखो सेवन से सेवन कट गया दो जीरो से यहां दो जीरो कट गए एक जीरो से ये जीरो भी कट गया और कहीं कुछ नहीं कटता वो दिख रहा फाइव से ये टेन कटा टू टाइम्स और इस टू से ये ट्वेंटी टू कटा है इलेवन टाइम्स तो यहां पे मैं कहूंगा सेवेंटी सेवन इलेवन इंटू सेवन इज वॉट तो ये आ जाएगा सेवनटी सेवन मीटर क्यूब एक घंटे में इन वन आवर इतना पानी फ्लो हो रहा है इस पाइप से तो मैंने ये निकाला कि एक घंटे में कितना पानी पाइप से निकल रहा है तो हर एक घंटे में 77 मीटर क्यूब पानी यहाँ से निकल रहा है और टैंक का वॉल्यूम कितना है तो ये है 22 टू इंटू मीटर क्यूब अब बात को समझना मैं एक ब्लैंक शीट लेके समझाता हूँ ये मैंने ब्लैंक शीट ले ली तो इस ब्लैंक शीट में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक घंटे में अगर 77 मीटर क्यूब पानी बह रहा है तो कितने घंटे में कितने घंटे में टैंक का इतना वॉल्यूम होगा 22 टू इंटू मीटर क्यूब होगा बात समझ आ रही है इतना आसान है यह चीज अब समझना बात को तो देअोर टाइम टेक इन टू फी टू फिल टू फिल ट्वेंटी टू इंटू सेवन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विथ सेवन अपॉन सेवेंटी सेवन ये सेवन से कटा इलेवन टाइम्स तो ये इलेवन ट्वेंटी टू से कटा तो यहाँ पे आएगा दो तो मैं कहूँगा देयर फो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टू आवर्स कितना घंटा लगेगा दो घंटे लगेंगे अगर पाइप से वॉल्यूम निकल रहा है पांच किलोमीटर पर अवर की स्पीड से ठीक है तो मैंने उस पानी को रोका मैंने उस पानी को रोका हर एक घंटे में पांच किलोमीटर लेंथ को माना किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया उसके बाद मैंने वॉल्यूम निकाला कि पाइप से कितना वॉल्यूम गिर रहा है और टैंक का अभी वॉल्यूम कितना है ठीक है और मैंने यहां पे आप लोगों ने एट्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोशन ठीक है तो उस चीज का यहाँ पे यूज किया कि एक घंटे में अगर सेवनटी सेवन या ऐसा बोल लो यूनिटरी मैथड तो कितने घंटे में ये तो जब घंटे ज्यादा मतलब जब एक घंटे का आपको यूनिट दिया रहता है और आपको घंटे निकालने हैं तो आप डिवीजन करते हैं तो ये यूनिटरी मेथड आप लोगों ने सीखा हुआ है ठीक है तो यहां पर 22 टू इंटू सेवन बाय क्या था ये था 77 इसको कैंसिल करने के बाद यहां पे टू बचा तो टाइम टेकन इज इक्वल टू टू अवर्स क्लियर है बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे आप लोगों को समझा दिया ठीक है तो चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ सेवन मीटर्स पर सेकंड पानी का फ्लोइंग रेट दिया हुआ है कितना सेवन मीटर्स हर एक सेकेंड में थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायामीटर इज टू सेंटीमीटर तो आपको डायामीटर ऑफ पाइप दिया है ठीक है सर्कुलर पाइप बोला है क्लियरली उसका टू सेंटीमीटर तो सर्कुलर पाइप का रेडियस वन सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये सर्कुलर पाइप का रेडियस जो है ये वन सेंटीमीटर है टू सेंटीमीटर का डाया दिया है मतलब रेडियस जो है वो वन सेंटीमीटर है इंटू अलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ हुज बेस इज अब जिस सिलेंड्रिकल टैंक का यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या बोला है कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट फ्रॉम द सर्कुलर पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक और जिस टैंक में गिर रहा है वो टैंक भी सिलेंड्रिकल है और उस टैंक का भी रेडियस मुझे नोन है तो इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ़ बेस सेंटीमीटर ठीक है तो रेडियस मुझे दिया है इसका फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है और क्या दिया है डिटरमाइन द इंक्रीज इन द वॉटर लेवल इन हाफ एन आवर कितना पानी हाफ एन आवर में यहाँ पे फुल हो जाएगा तो टाइम आपको दिया है हाफ एन आवर का तो आपको हाइट निकालनी है कि कितना हाइट ये गेन करेगा जब पानी गिर के इस सिलेंड्रिकल टैंक में आएगा तो यहां पे देखना चीज को समझना क्योंकि फ्लोइंग रेट दिया है तो वो दिया है आपको वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ सेवन मीटर्स सेवन मीटर्स पर सेकेंड ठीक है तो हर एक सेकंड में अगर सात मीटर का पानी निकल रहा है तो हर एक सेकंड का आपको दिया है तो इसको क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सेवन मीटर को मैं पर सेकंड का जो मुझे दिया है सात मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो क्योंकि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ठीक है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेवन मीटर ये जो बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर के तो यहां पे हम एक काम करते हैं कि हम लिख देते हैं रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग तो रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग अब फाइनली ये आ रहा है आपका कितना सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसका मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ वाटर कॉलम अब आप यहां पर वाटर कॉलम लेके चलते हैं मतलब पानी को रोक लेते हैं ना यहां पे तो ये बन जाती है लेंथ जब पानी को रोक लिया जाएगा तो हाफ एन आवर तो लेंथ ऑफ दॉटर कॉलम एन एन हाफ एन आवर कितना पानी इसके अंदर होगा हाफ मतलब आधे घंटे के अंदर तो आधा घंटा घंटा बोला आवर बोला है तो यहाँ पे सेकेंड को हम आवर में कैसे चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाइड विथ सात सौ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तीस के साथ क्यों सर क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड में दिया था तो सेवन हंड्रेड तो ये सेंटीमीटर हो गया हम लेंथ ऑफ़ दी वाटर कॉलम निकालते हैं तो इस पूरी चीज को हम लोग सेंटीमीटर्स में करेंगे चेंज तो सेवन हंड्रेड इंटू थर्टी ठीक है ये मिनट्स में चेंज हुआ मतलब हाफ एन आवर तो हाफ एन आवर बोला है तो ये मिनट्स थर्टी मिनट है ना हाफ आवर का मतलब मिनट मिनट तो तो कर देंगे मिनट्स ठीक है ये 60 minute में वाटर कॉलम कितना बनेगा तो सात मिनट में वाटर कॉलम इतना बनेगा इसको मैं सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहां पे मैं लिख देता हूं इतना सेंटीमीटर मतलब ये आ गई मेरी लेंथ ऑफ दी पाइप लेंथ ऑफ दी पाइप है रेडियस मेरे पास है तो कितना वॉल्यूम इस समय इस पाइप के अंदर है ठीक है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन हाफ एन आर तो हाफ आर जो आपको दिया है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ आर में कितना वॉल्यूम तो ये हमारा बनता है पाए आर स्क्वायर एच क्लियरली आर है वन सेंटीमीटर के बराबर तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड विथ हाफ मतलब वन इंटू वन रेडियस इंटू हाइट हाइट इस लेंथ को हम मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाइड विथ थर्टी इंटू सिक्सटी ये हमारी चीज क्या आ गई ये वॉल्यूम ऑफ द वॉटर इन पाइप इन हाफ एन आवर आ गई ठीक है अब इस पानी को अगर मैं यहाँ पे पलट दूँ तो वही वॉल्यूम बनेगा सिलेंडर का ठीक है तो ये हमारा पूरी चीज़ आएगी सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे हाइट भी हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी तो ये वॉल्यूम अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे सेवन से ये सात सौ मुझे कटता हुआ दिख रहा है हंड्रेड टाइम्स ठीक है तो फाइनली मेरे पास वैल्यू दिखेगी यहां पे ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विध हंड्रेड थ्री इज एटीन ठीक है और दो जीरो ये वाले अट्ठारह सो और दो जीरो ये वाले ठीक है तो ये पूरी चीज हमारी आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पाइप इन हाफ एन आवर इस हाफ एन आवर के पानी के कॉलम को अगर मैं पलट देता हूं तो यह वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा तो एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये हमारा बनेगा पाए आर स्क्वायर एच तो यह हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर कितना रेडियस दिया है 40 तो 40 इंटू फोर्टी मल्टीप्लाइड विथ ये हाइट निकालनी है तो ये वाला एच निकालना है तो यही वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर तो मैं कह रहा हूं ट्वेंटी टू इंटू वन एट और चार बार जीरो के बराबर होगा तो ये बराबर होगा ट्वेंटी टू इंटू वन एट चार बार जीरो के ठीक है तो ये दो वॉल्यूम आपने इक्वल कर दिए ठीक है? है अगर ये दो वॉल्यूम इक्वल कर दिए तो यहाँ पे आपका एच निकलते हुए आ जाएगा तो ये आ जाएगा देखो दोनों तरफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू है तो यहाँ पे अगर मैं एच कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो ये एच की वैल्यू आएगी सेवन ट्वेंटी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू इधर ऑलरेडी अट्ठारह के बाद चार जीरो थे अपॉन में ये बाईस आ जाएगा इंटू फोर्टी इंटू फोर्टी ये आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट होकर आएगा 22 से 22 काट दिया जीरो से दो जीरो से ये दो ज़ीरो काट दिए ख़त्म कहानी और टू से यहाँ क्योंकि फोर से तो टू इंटू टू फोर और ये अट्ठारह सौ काटा तो टू इंटू नाइन इज एटीन और दो ज़ीरो नौ सौ यहाँ पर आएगा टू से काटने पे ठीक है और ये टू से नौ सौ काटने पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी टू फोर टाइम्स एट टू फाइव टाइम्स टेन ज़ीरो 450. अब ये चार भी छोटा होता हो दिख रहा है तो देखो हाइट क्या आ रही है सेवन इंटू चार सौ पचास जो ऊपर बचा है अपॉन में फोर एक और है तो इस फोर को भी हम छोटा कर देते हैं तो ये टू से होगा टू टू टाइम्स फोर टू वन टाइम्स टू टू टाइम्स फोर टू टू टाइम्स फोर टू फाइव टाइम्स टेन ठीक है तो हाइट हमारी अप्रॉक्सीमेट के आसपास आ जाएगी सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव थ्री ऊपर सेवन इंटू टू इज फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन का एट कैरी वन और ये आ जाएगा पंद्रह सौ पिचासी अपॉन टू और ये हमारी वैल्यू आएगी टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू नाइन टाइम्स एटीन टू टू टाइम्स फोर पॉइंट फाइव तो थ्री नाइन्टी टू पॉइंट फाइव ऐसा बोल लो तो यहाँ ये वैल्यू को आप लिख सकते हैं सेवन नाइन्टी थ्री सेंटीमीटर अप्रॉक्स ठीक है अगर ऐसा भी लिखना है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा के यहां तो ये आंसर यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया ये कौन सी हाइट आई है ये ये वाली हाइट आई है हाफ एन आवर में कितना पानी इस टैंक में रहेगा तो इस प्रकार के ये दो क्वेश्चन बहुत प्यारे सवाल थे अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ तो यहाँ पे कर दिया बोर्ड क्लियर और यहां से भी हम कर देते हैं बोर्ड क्लियर तो ये दो वेराइटी मैं कहूंगा एक ही वेरायटी थी थर्ड क्वेश्चन भी इसी वेरायटी का है अगर आप इस सवाल को देखें क्वेश्चन नंबर थ्री को तो देखिए वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आवर पानी का फ्लो क्या है तीन किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटरनल डाया तो यहाँ पे डाया मतलब इस पाइप का रेडियस आपको दिया हुआ है कितना रेडियस दिया है ट्वेंटी बाई टू मतलब टेन सेंटीमीटर का रेडियस दिया है इस सर्कुलर पाइप से पानी बह रहा है और किस रेट से बह रहा है तो वाटर फ्लो वाटर फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आवर ठीक है वो दिया रेडियस सेंटीमीटर में यहां दिया थ्री किलोमीटर पर आवर तो वह सर्कुलर पाइप ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटरनल डायमी इंटू सर्कुलर इंटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायामीटर टेन मीटर अब सर्कुलर सिस्टम मतलब यहाँ यहाँ हम एक टैंक ले लेते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप है सर्कुलर सिस्टम बोला है ना तो सर्कुलर सिस्टम मतलब सिस्टम वर्ड का मतलब होता है टैंक ठीक है और सर्कुलर सिस्टम का मतलब यहाँ पे सिलेंड्रिकल टैंक है क्योंकि इसकी एक डेप्थ भी है तो डेप्थ दी है इस कारण हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि दो मीटर की इसकी डेप्थ है और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है रेडियस दिया है कितना टेन मीटर नहीं ये डाया दिया है तो टेन बाई टू मतलब रेडियस हमें दिया है फाइव मीटर तो फाइव मीटर का रेडियस दिया है अब देखो हमें बोला है वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर ये दिए थ्री किलोमीटर तो एट द रेट ऑफ थ्री किलोमीटर मतलब रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग हम लिख सकते हैं थ्री किलोमीटर को तीन हजार मीटर पर आवर के हिसाब से हमने क्या किया क्योंकि ये टैंक के यूनिट्स हमें मीटर में दिए थे इस कारण हमने रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर 3000 मीटर ले लिया ठीक है जो कि हमने इस तरीके से लिख लिया अब रेडियस मुझे यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर में तो रेडियस क्योंकि 10 सेंटीमीटर में दिया है तो इस 10 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में चेंज कर लेता हूं तो ये 10 सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा मतलब एक मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो हंड्रेड सेंटीमीटर का मतलब यहां पर एक सेंटीमीटर की वैल्यू ये आ जाएगी वन बाय हंड्रेड मीटर के बराबर ठीक है तो वन बाय हंड्रेड मीटर आ गई और यहां सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा आपका टेन बाय हंड्रेड मीटर के बराबर ठीक है तो इस तरीके से हमने यहां पे इसको लिख दिया वन बाय टेन मीटर अगर मैं ऐसे लिख दू वन बाय टेन मीटर तो रेडियस भी वन बाय टेन मीटर रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग भी थ्री थाउजेंड मीटर ठीक है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देअ फोर लेंथ ऑफ पाइप लेंथ ऑफ सर्कुलर पाइप जो इन्होंने बोला था उसकी लेंथ ठीक है इन एक्स टाइम तो कितना आवर्स के हिसाब से थ्री थाउजेंड मीटर है तो हम यहां पे कहेंगे लेंथ ऑफ दर्क या लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम ले लेते हैं लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन एक्स टाइम एक्स नंबर ऑफ टाइम्स क्योंकि देखो कितनी देर में ये फिल कर रहा है ठीक है तो वो इसका वॉल्यूम इक्वल होगा जो एक्स टाइम यहां पे लगेगा ठीक है कितने समय में ये फिल कर पाएगा तो यहां पे हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन एक्स टाइम इज इक्वल टू मैं इसको बोल देता हूं थ्री थाउजेंड मीटर्स थ्री थाउजेंड एक्स मीटर्स ठीक है तो ये मैंने मीटर्स में ले लिया थ्री थाउजेंड एक्स मीटर्स थ्री थाउजेंड एक्स ठीक है तो ये पूरी यूनिट मीटर्स में है चलिए ये हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन एक्स टाइम ये एक्स टाइम आ गया ठीक है और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्कवायर एच तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है यहाँ पर पा पाई मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है आपका पांच इन टू और हाइट है आपकी दो ठीक है तो ये हाइट है आपकी दो ठीक है और ये आपका आ जाएगा किसमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है तो ये पूरी कहानी सॉरी मीटर क्यूब में चल रही है ना तो ये पूरी कहानी मीटर क्यूब में आएगी ठीक है वॉल्यूम फिल होगा एक्स टाइम में और एक्स टाइम से ही पानी यहां से निकल के आएगा तो कितना पानी यहां से निकल के आया तो इसका वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर कॉलम या वॉल्यूम ऑफ पाइप एन एक्स टाइम कितना समय लगेगा पानी को बहने के लिए तो वो एक्स टाइम का वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा वो भी फॉर्मूला में पाए स्क्वायर एच लगाऊंगा क्यों क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल पाइप है तो यहाँ से जब पानी बहकर आएगा तो ये आ जाएगा पाए मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर मैं यहाँ पर ले रहा हूं वन बाई टेन मल्टीप्लाइड विथ वन बाई टेन मल्टीप्लाइड विथ हाइट तो लेंथ के बराबर मतलब थ्री थाउजेंड एक्स के बराबर आएगी थ्री थाउजेंड एक्स और ये पूरी यूनिट क्योंकि मीटर्स में है तो इसलिए ये मीटर क्यूब में इन दोनों को जब मैं इक्वलाइज कर दूंगा ना यहां से यह एक्स निकल के आ जाएगा और यही एक्स मुझे फाइंड करना है तो यहां पर हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इन एक्स टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न सिस्टर्न को फिल कर रहा है ना वो यही तो हमें दिया था तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन एक्स टाइम मतलब पाए बाय बाय मल्टीप्लाइड विद पाए 100 मल्टीप्लाइड विद्री थाउजेंड एक्स थ्री थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न तो पाए इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू टू तो पाए इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू टू क्लियर है ये चीज ठीक है आगे देखिएगा इधर भी पाए इधर भी पाए पाए से पाए कट गया ठीक है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू टू अपू हंड्रेड अपॉन थ्री थाउजेंड बस इसको सॉल्व कर दो तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने है ठीक है तो ये टू से ये थर्टी कटा फिफ्टीन टाइम्स ठीक है ये फाइव से ये फिफ्टीन कटा थ्री टाइम्स तो फाइव बाय थ्री एक्स इज इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री आवर्स और फाइव बाय थ्री आवर्स का मतलब क्या होता है तो ये हमारा आ जाएगा थ्री वन टाइम्स थ्री ठीक है थ्री वन टाइम्स थ्री पॉइंट फाइव बाय थ्री को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बचा टू तो टू पॉइंट लगाया ट्वेंटी थ्री सिक्स टाइम्स एटीन फिर बचा ट्वेंटी तो सिक्सटी सिक्स तो 1.66 आवर्स या ऐसा बोल लो कि एक घंटा एक घंटा ठीक है और 60 मिनट मतलब दो घंटे के आसपास समय लगेगा ठीक है तो 1.66 का मतलब यही होता है 5 बाय 3 अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 3 1 टाइम्स 3 होता है और ये बचता है 2 ठीक है पॉइंट लगाया जीरो तो 3 6 टाइम्स होता है 18 फिर ये बचता है टू तो वन पॉइंट सिक्स वैसे ही आ रहा है तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स आवर्स ठीक है तो एक घंटा ठीक है यहां पे ये चीजें आप कन्वर्ट कर पाओगे तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स आवर्स मैं ऐसा बोल देता हूं ठीक है तो फाइव बाई थ्री आवर्स ऐसे भी आप छोड़ सकते हो और ये आपने समय कन्वर्ट कर लिया चलिए अब क्या करना था तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर इधर भी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया हमारा फाइनली क्लियर ठीक है कैसे सॉल्व करना है एक ही वैरायटी के तीन क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ सेवन सेंटीमीटर एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका अंदर का डायमीटर दिया है तो मैं कहूंगा वैसा ही क्वेश्चन है देखो यहाँ पे ये यह क्या हुआ चलो कोई नहीं यहाँ पे ये यह छोटे बहुत टेक्निकल फॉल्ट आते हैं चलिए यहाँ पे भी हमें सिमिलर क्वेश्चन बोला है कि एक पाइप है ठीक है और ये जो पाइप है इसका इंटरनल डायामीटर दिया है तो इसका मतलब रेडियस जो हमें दिया है वो दिया हमें सेवन बाई टू सेंटीमीटर ये हमें सेंटीमीटर में दिया है तो रेडियस एंड वाटर फ्लोस थ्रू इट एट आइटा वन लीटर्स पर मिनट हर एक मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है अब आप बात को समझो क्योंकि यहां पे मुझे दिया है फ्लोइंग वाटर का रेट तो फ्लोइंग वाटर रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर है ना रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर इज इक्वल्स टू 192.5 नाइन्टी लीटर्स पर मिनट पर मिनट का मतलब ये कि हर एक मिनट में इन वन मिनट वन मिनट इज इक्वल्स टू 192.5 लीटर ये हमें बोला इन्होंने ठीक है और हमें चेंज करना है यूनिट किस में किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को चेंज करते हैं तो एक मिनट में इतना लीटर तो एक घंटे में कितना तो वन आवर में ये हो जाएगा वन नाइनटी टू पॉइंट फाइव सिक्सटी लीटर्स कैसे सर क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसलिए मैंने 192.5 नाइन्टी लीटर्स कर दिया ठीक है अब बात को समझना अगर एक लीटर मुझे पता है ये बराबर होता है एक हज़ार सेंटीमीटर क्यूब के तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि ये जो लीटर्स निकल के आया 192.5 नाइन्टी लीटर ठीक है ये बराबर होगा कितने सेंटीमीटर क्यूब के तो आप कहेंगे सर ये 192.5 नाइन्टी टू पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी इंटू सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे और जैसे ही सेंटीमीटर क्यूब आया तो दैट मीन्स आपके सामने वॉल्यूम आ गया कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है एक घंटे के अंदर ठीक है तो कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है देयरफॉर वॉल्यूम फ्लोइंग इन वन आवर हमें पर आवर का ही पता करना था तो वॉल्यूम फ्लोइंग इन वन आवर इज इक्वल्स टू वन नाइनटी टू पॉइंट फाइव वन नाइन्टी टू पॉइंट फाइव यहां पर हम इसको क्लियर कर दें वन नाइन्टी टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड विथ सिक्सटी मल्टीप्लाइड विथ थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब क्लियर है तो ये पूरा यूनिट है किसमें सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है अब क्या करना है तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन वन आवर हो गया अब ये सेंटीमीटर क्यूब में तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी होगा खुद का तो ये वॉल्यूम कितना तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये फॉर्मूला होता है पाईआर स्क्वायर एच और पाई पाईआर स्क्वायर एच का मतलब ये कि ये हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड विथ रेडियस दिया है थ्री पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट फाइव सेवन बाई टू का मतलब होता है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है ऑलरेडी तो थर्टी फाइव बाई टेन मल्टीप्लाइड विथ थर्टी फाइव बाई टेन मल्टीप्लाइड विथ पाएर एच ये जो एच निकल के आएगा ना ये लेंथ ऑफ द ट्यूब ठीक है तो ये हमें बताएगा कितना किलोमीटर पानी फ्लो हुआ वही तो हमें बताना है किलोमीटर पर आवर के अंदर तो पर आवर की कहानी हमारी चल रही है किलोमीटर हम निकाल लेंगे मतलब लेंथ हमें निकालनी है एच हमें निकालना है तो ये चीज हमारा निकल के आ जाएगा एच ठीक है तो यहां पे एक काम करो कि ये पूरा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं फिर से बताता हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस सिलेंडर में से कितना वॉल्यूम निकला तो वो इतना वॉल्यूम निकला और आपको रेट ऑफ फ्लो कितना वॉल्यूम आ गया तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे यहां से एच निकल के आएगा बस खत्म बात ब्लैंक शीट ले लेते हैं यहां पे आपको चीजें समझाते हैं कि 192.5 अगर मैं कैलकुलेशन की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं चलिए 192.5 मल्टीप्लाइड विद क्या आया था तो 192.5 मल्टीप्लाइड विद 60 इंटू थाउजेंड मल्टीप्लाइडी इंटू थाउजेंड इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इक्वल आएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन 22 by 7 multiplied with 35 by 10 multiplied with 35 by 10 मल्टीप्लाइड with h ये h आपको कैलकुलेट करना है तो ये h की वैल्यू ये पूरी यूनिट्स यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा 1925 अपॉन 10 ठीक है इसका अपॉन 10 नीचे आ गया into 60 into 1000 into ये 7 into 10 into 10 तो ये आ गया आपका 7 इंटू टेन इंटू टेन तो सेवन ले लेते हैं यहां पे देखिएगा क्या बोल रहा है ये दो मिनट होल्ड करिए चलिए ये बोल रहा था कि भाई कुछ बोर्ड हैंग हुआ है लगता है हाँ नहीं अभी क्लियर हो गया वन नाइनटी टू फाइव इंटू सिक्सटी इंटू थाउजेंड बाई टेन ये पॉइंट हटाया था हमने थाउजेंड यहां पर तो सेवन इंटू टेन इंटू टेन ये पूरी डिनोमिनेटर यहाँ चला जाएगा ऊपर और ये ट्वेंटी टू नीचे आ जाएगा इंटू थर्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव ये आपके एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी बस इसको सॉल्व करना है जो कि सेंटीमीटर में निकल के जो कि हाँ सेंटीमीटर में निकल के आएगी अभी किलोमीटर में नहीं आएगी सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में चल रहे थे तो एक टेन से ये टेन गया ठीक है और सेवन से ये थर्टी फाइव गया फ़ाइव टाइम्स ठीक है और इसके बाद ये फाइव से मैं छोटा कर देता हूँ इसको तो फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन और यहाँ पे बचा तुम्हारा चार फोर्टी टू एट टाइम्स फोर्टी और फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव ठीक है और क्या करना है तो यहाँ पर अब हमें ये थर्टी फाइव भी छोटा कर लेते हैं तो फाइव सेवन टाइम्स थर्टी फाइव और फाइव सेवन टाइम्स थर्टी फाइव थर्टी फाइव और बचा तो सेवन टाइम्स थर्टी फाइव सेवेंटी सेवन और ट्वेंटी टू तो ये टू टाइम्स ये सेवन टाइम्स ठीक है और इस टू से ये सिक्सटी गया तो थर्टी आया तो क्या क्या बच रहा है ये सेवन से ये सेवन कट गया तो यहाँ पे बच रहा है एच थर्टी मल्टीप्लाइड विथ थाउजेंड मल्टीप्लाइड विथ टेन सेंटीमीटर ये आ गया आपका तो h की वैल्यू आ रही है फाइनली थ्री जीरो ट्रिपल ज़ीरो और एक जीरो सेंटीमीटर में यह हमारा जवाब है सेंटीमीटर पर अवर में हमें देना है किलोमीटर पर अवर में तो बात को समझना एक किलोमीटर में क्योंकि एक हजार मीटर होते हैं ठीक है ठेके? और एक मीटर क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर होता है तो यह सेंटीमीटर में आएगा तो एक किलोमीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब एक सेंटीमीटर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटीमीटर किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन बाय तीन जीरो और दो जीरो और तो टोटल पांच जीरो किलोमीटर के बराबर होंगे ठीक है तो यूनिट चेंज करना है ऐसे इसका मतलब ये सेंटीमीटर चेंज करने के लिए इतना सेंटीमीटर किसके बराबर तो ये आप बोलोगे थ्री के बाद दो दो चार पांच तो ये तीन चार पांच अपॉन वन के बाद पांच जीरो ये पांच जीरो ये जीरो कट जाएंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा इसका मतलब आपका जवाब आ गया किलोमीटर पर आवर में तो एक घंटे की कहानी हमारी चल रही थी यहां पे देखो एक घंटे की कहानी चल रही थी ये घंटे में हमारा कैलकुलेशन आया यहां से यहां तक और हमारा आंसर आया कि थ्री किलोमीटर थ्री किलोमीटर पर आवर इतना ये जो है हमने चेंज कर दिया किलोमीटर पर आवर में तो पानी का जो फ्लो है जो उन्होंने हमें वन नाइन कितना दिया था वन नाइन टू पॉइंट फाइव लीटर पर मिनट दिया था इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में वो पूरा मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पर क्लियर है तो बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर यहाँ से भी बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ तो क्वेश्चन नंबर फाइव एक डिफरेंट वेराइटी ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको फिजिक्स का एक पार्ट यूज करना है देखना क्या बोल रहा है देयर आर टू स्फेयर्स ऑफ सेम मेटल वेइंग वन के जी एंड सेवन के जी अब देखो वेट जो दिया है वो वन के जी और सेवन के जी दिया है दो अलग अलग स्फेयर्स का तो एक स्फेयर और ये दो अलग स्फेयर और हमें एक चीज़ बोली है वो ये बोली है कि सेम मेटल है सेम मेटल है मतलब इन दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो देयर आर टू स्वेयर ऑफ सेम मेटल वन के जी एंड सेवन के जी द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्वेयर इज थ्री सेंटीमीटर जो सबसे छोटा स्वेयर है उसका रेडियस हमें थ्री सेंटीमीटर दिया है द टू स्वेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्वेयर अब इन दोनों मेल्टे मेल्ट किया इन दोनों स्वेयर्स को मेल्ट किया और इससे एक बड़ा हमने स्वेयर बनाया टू फॉर्म अग स्फेयर फाइंड द डायामी ऑफ द न्यू स्फेयर आपको इस फेयर का डायामीटर बताना है तो हम बेसिकली यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेते हैं है ना और इसको आर वन और इसको आर टू लिख लेते हैं देखो इसका रेडियस आपको नहीं पता तो कैसे निकालोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स का एक चीज पता है कि डेंसिटी की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है मास अपॉन वॉल्यूम तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ फेयर ऐसा मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ फेयर एंड मास ऑफ फेयर और क्योंकि ये दोनों सेम मेटल के हैं ठीक है थेके? इस कारण इन दोनों की डेंसिटी सेम होगी इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सिमिलर होगी क्यों क्योंकि सेम मेटल है इस कारण मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं यहां पर और मास ऑफ फेयर ये आपको दिया है वन के जी ठीक है वन के जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्वेयर क्या आएगा तो ये आएगा फोर बाय थ्री क्यूब मतलब थ्री का क्यूब मतलब थ्री जो है ये तीन बार मल्टीप्लाई होगा विच इज इक्वल्स टू सेवन डेंसिटी ऑफ सेकेंड स्वेयर जो बड़ा रेडियस का है सेवन अपॉन फोर बाय थ्री पाए मल्टीप्लाइड विथ आर क्यूब कौन सा आर क्यूब आर टू ठीक है यहां से ये रेडियस पता चल जाएगा सेकेंड का तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी इसको ध्यान देना ये पूरी चीज यहां जाएगी ये पूरी चीज यहां आएगी तो ये वन बाय सेवन यहां आ गया ठीक है और ये पूरी चीज वहां जाएगी तो फोर बाय थ्री पाए और फोर बाय थ्री पाए ऊपर नीचे कटेगा मैंने यहीं काट दिया और ये थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अपॉन तो ये थ्री का क्यूब होता है तुम्हारा ट्वेंटी सेवन तो मैं ऐसा बोलता हूं ट्वेंटी सेवन अपॉन आर टू का क्यूब ठीक है और ये आर टू का क्यूब जब यहाँ पे जाएगा तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी आर टू का क्यूब इज इक्वल्स टू सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन तो थ्री रूट सेवन ठीक है अगर मैं क्यूब रिमूव करता हूं तो मुझे आर टू की वैल्यू बेसिकली मिल रही है यहाँ पे आप चीज समझना ठीक है तो ये मुझे क्या मिल रहा है ये सेवन यहाँ जा रहा है तो ये मुझे मिल रहा है थ्री रूट सेवन अगर मैं ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन का रूट कर दूंगा तो एक थ्री बार आ जाएगा थ्री रूट सेवन ये मुझे आर टू की वैल्यू मिल जाएगी और आर टू की वैल्यू ये मुझे सेंटीमीटर्स में मिलेगी अब देखो यहाँ पे मेरे पास आर टू है आर वन है इन दोनों स्फेस को मेल्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ टू स्र्स ज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर ये इन्होंने बोला है ठीक है अब देखना ध्यान से देखना यहां पर इस चीज का मैं यूज करूंगा ब्लैंक शीट में तो वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर बोले तो फोर बाय थ्री पाए आर वन का क्यूब प्लस फोर बाय थ्री पाए आर टू का क्यूब इज़ टू फोर बाय थ्री पाए कैपिटल आर का क्यूब ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे तो यहां पर अगर इन दोनों से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा फोर बाय थ्री पाए ब्रैकेट में बचेगा आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब यही है विच इज इक्वल्स टू फोर बाय थ्री पाए आर का क्यूब ठीक है इधर भी फोर बाय थ्री पाए हैं, इधर भी फोर बाय थ्री पाए हैं, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब आर वन का क्यूब कितना है तो ये है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो ये है आपका ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस आर टू का क्यूब तो आर टू की वैल्यू थी थ्री रूट सेवन ठीक है तो थ्री रूट सेवन का क्यूब अगर मैं करूंगा विच इज इक्वल्स टू आर क्यूब ठीक है तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी तो थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इंटू थ्री इज ट्वेंटी सेवन तो ये हमारी आ जाएगी ट्वेंटी सेवन ठीक है इसकी और रूट सेवन इंटू रूट सेवन तो ये आ जाएगा इंटू सेवन और इंटू रूट सेवन एक रूट सेवन यहां बच जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा सत्ताईस प्लस सत्ताईस प्लस कितना आया सत्ताईस प्लस ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन कितना होता है तो ये होता है सेवन इंटू सेवन इज फोर्टी नाइन फोर सेवन इंटू टू इज फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर इज़ एटीन वन एट्टी नाइन रूट सेवन वन एटी नाइन रूट सेवन तो यहाँ पे आ जाएगा वन एटी नाइन रूट सेवन मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या दो मिनट पीछे देख लेते हैं क्या हमने कुछ गलती की है यहाँ पर तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस फेयर इज वन वन अपॉन फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो ये आ गया ट्वेंटी सेवन बाय आर टू का क्यूब तो फोर बाय थ्री पाए दोनों तरफ कट गया तो ये one by seven is equals to तो आ गया वन बाय सेवन इज इक्वल टू आर टू का क्यूब तो आर टू क्यूब यहाँ आ गया और ये सेवन यहाँ चला गया तो ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन अगर मैं इस चीज को ऐसे ही लिख के ले चलता हूँ देखिएगा आर टू का क्यूब इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन ये वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन ठीक है और ये अगर मैं बोलूँ पहली इक्वेशन है आर टू का क्यूब ठीक है और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये फोर बाय थ्री पाए आर वन क्यूब तो पाए आर वन क्यूब तो ट्वेंटी सेवन और आर टू क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है अगर मैं यहाँ पे आर टू क्यूब की वैल्यू डाल दूँ देखिएगा आर टू क्यूब हमारा कितना हो जाएगा तो आर टू क्यूब हमारा हो जाएगा दो स्फेयर्स को मेल्ट करा तो दो का वॉल्यूम इज इक्वस टू बड़े का वॉल्यूम ठीक है यहाँ तक भी हमारा सब सही चल रहा है तो आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब तो आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब इज इक्वस टू आर क्यूब तो आर वन का क्यूब है थ्री का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी तो ये आई थी ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन तो ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन ठीक है विच इज इक्वल्स टू आर का क्यूब ये है यहां पे अगर इसको मैं देखूं तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन कितना होता है तो ये होता है और 189 तो ये हो जाएगा 27 सेवन प्लस वन एटी इज़ इक्वल्स टू आर का क्यूब ठीक है और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सात प्लस नौ सोलह सोलह का छः कैरी वन नौ ठीक है नौ दस ग्यारह तो यहाँ पे एक और दो सौ सोलह ये वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब की तो दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आर की वैल्यू है दो सौ सोलह का रूट तो क्यूब रूट ऑफ 216 ये है वैल्यू ठीक है और 216 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो टू वन टाइम्स टू शून्य टू एट टाइम टू फाइव टाइम्स एट टू टू टाइम्स फोर टू सेवन टाइम्स फोर्टीन और थ्री नाइन टाइम्स ट्वेंटी सेवन एंड थ्री इंटू थ्री इज नाइन तो यहाँ पे दो के तीन और थ्री के तीन तो इसका मतलब आर की वैल्यू आएगी टू इंटू थ्री मतलब आर आपका आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर आर आ गया हमारा सिक्स सेंटीमीटर ये रेडियस आया बड़े वाले स्फेयर का तो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर हमें मिल गया है हमें पता करना था डायमीटर जो हमसे पूछा है डायामीटर ऑफ द न्यू स्फेयर तो ये इसका टू टाइम्स मतलब ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी टू टाइम्स देयर फोर डायामीटर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर तो डायामीटर नए स्पेयर का बनेगा 12 सेंटीमीटर का इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है ठीक है यहीं पे सॉल्व करते समय मुझे क्योंकि गलती कुछ लग रही थी इसलिए मैंने उस इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया चीजें सॉल्व होती हुई क्लियरली मेरे सामने आ गई क्लियर है चलो बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर यहाँ पे भी बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर तो क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया क्लियर मूव करते हैं आगे तो नेक्स्ट क्या मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ तो क्वेश्चन नंबर सिक्स रहा क्या बोल रहा है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर एक कोन है आपके पास तो ये कोन जो है ये इस कोन का रेडियस आप लोगों को पता है और रेडियस आपको दिया है थ्री सेंटीमीटर का ठीक है इसके बाद मुझे बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका जो सी एस ए है तो सी एस ए आपको दिया हुआ है किसका कोन का कितना दिया है फोर्टी सेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन तो मुझे क्या पता करना है वॉल्यूम पता करना है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वन बाय थ्री पाईआर स्क्वायर एच तो चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया हमारे सामने क्या बोल रहा है बस वॉल्यूम निकालना है लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस तो है मेरे पास हाइट नहीं है तो सी एस ए से मैं हाइट निकाल लेता हूं एक काम करता हूं देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना तो यहां पे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कहता है कि ये फॉर्मूला है पाई आर एल और कर्वड सरफेस एरिया मुझे दिया है फोर्टी सेवन पॉइंट वन विच इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड विथ रेडियस मुझे दिया है थ्री ठीक है और यहां से मुझे पता चलेगी इसकी स्लेंट हाइट तो मुझे इसका एल पता चल जाएगा ये आ जाएगा इसका एल ठीक है और मुझे एक्चुअली चाहिए एच ठीक है तो वो बाद में जाएंगे उस तरफ मूव करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड विथ सेवन अपॉन ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री क्लियर है तो सात प्लस तीन दस ग्यारह बारह तो थ्री से ये फोर्टी सेवन पॉइंट वन कट रहा है देखिएगा थ्री वन टाइम्स थ्री और बच्चा सत्रह तो थ्री फाइव टाइम्स होता है तो तो यहाँ पर आ गया फिफ्टीन पॉइंट सेवन इंटू सेवन बाई ट्वेंटी टू विच इज इक्वल्स टू एल ये एल की वैल्यू आई है चलिए बहुत बढ़िया अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो फिफ्टीन इंटू सेवन फिफ्टीन पॉइंट सेवन इंटू सेवन कितना होता है तो फिफ्टीन पॉइंट सेवन इंटू सेवन सेवन इंटू सेवन होता है फोर्टी नाइन फाइव इंटू सेवन इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर इज थर्टी नाइन थ्री और ये हो जाएगा वन ज़ीरो नाइन नाइन अपॉन ट्वेंटी टू तो अपॉन में ट्वेंटी टू ठीक है तो वन जीरो नाइन नाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं एल इज़ इक्वल्स टू वॉट वन जीरो नाइन नाइन और पॉइंट एक डिजिट के बाद अपॉन में ट्वेंटी टू ये एल की वैल्यू है अब हमारे पास एल है तो यहां से हम एच निकाल सकते हैं हमें पता है क्या होता है तो एल की वैल्यू होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ठीक है एच हमें निकालना है तो एल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है इसको हम ले लेते हैं कितना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले, ले लेते हैं इसको हम तो ये हो जाएगा आपका कितना एक सौ दस बाय ठीक है अगर इसको मैं एक सौ बाय लेके सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व होगा आपका इलेवन इलेवन वन टाइम्स इलेवन एंड जीरो इलेवन टू टाइम्स ट्वेंटी टू और टू से ये टेन कटा फाइव तो यहाँ पे मैं एल को मान लेता हूँ फाइव के बराबर ये एल आ जाएगा फाइव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने ली है अगर एल फाइव है तो 25 फाइव माइनस रेडियस का स्क्वायर मतलब थ्री इंटू थ्री नाइन विच इज इक्वल टू एच का स्क्वायर और यहाँ पे हमारा एच निकल के आएगा पच्चीस में से नौ गए तो पंद्रह में से नौ गए ये बच्चा छः सोलह विच इज इक्वल टू एच का स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पर आ रही है फोर के बराबर ठीक है तो हाइट कितना आई है हाइट हमारी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर अगर एच है हमारे पास हमारे पास एल है तो क्या मैं यहां पर क्या मैं यहां पर सीएसए सीएसए तो मुझे पता वॉल्यूम निकाल सकता हूं तो देअर फोर वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड विथ थ्री इंटू थ्री नाइन मल्टीप्लाइड विथ फोर इंटू फोर नहीं सिर्फ फोर है तो ये आ जाएगा फोर क्लियर है अब कुछ भी नहीं कट रहा कुछ भी नहीं कट रहा सिर्फ थ्री से ये नाइन कट रहा है तो थ्री आ रहा है ऊपर तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री मल्टीप्लाइड विथ फोर अपॉन सेवन और ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्स मल्टीप्लाइड विथ फोर तो सिक्सटी सिक्स मल्टीप्लाइड विथ फोर बाय सेवन और ये वैल्यू आ जाएगी फोर इंटू सिक्स इज ट्वेंटी फोर टू कैरी फोर इंटू सिक्स इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट अपॉन सेवन ठीक है और सेवन फोर टाइम्स होता है ट्वेंटी एट पॉइंट ठीक है फोर्टी और सेवन फाइव टाइम्स होता है थर्टी फाइव और पांच पांच तो ये वॉल्यूम तुम्हारा जो आ जाएगा पचास सेवन सेवन टाइम्स फोर्टी नाइन तो फोर पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर क्यूब ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है इस कोन की ये सब अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है और अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं पॉइंट नाइन को एकदम आप एक सौ दस मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ये बढ़िया यहाँ पे फोर पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी कॉन तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की तरफ तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या है ये रहा द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्वेयर इज सिक्स सेंटीमीटर एक मेटल का स्फेयर है आपके पास जिसका आपको डायमीटर दिया है इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस जो है वो है सिक्स बाई टू सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल्स टू थ्री सेंटीमीटर तो यहाँ पे रेडियस आ गया थ्री सेंटीमीटर द स्वेयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू अ वायर इसको मेल्ट करके एक वायर बनाई गई है तो वायर जब भी बनाई जाती है तो उसको हम सिलेंड्रिकल शेप मान के चलते हैं ठीक है विथ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि कहीं पे भी किसी तरह का कर्व या पतली वायर या मोटी वायर नहीं है एकदम यूनिफॉर्म चल रहा है मतलब एकदम सिलेंडर है राइट right सर्कुलर सिलेंडर बोलना चाह रहा है ये इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सिक्स मीटर अगर जो वायर बनती है उसकी लेंथ अगर थर्टी मीटर है तो ये देखो थर्टी मीटर है ठीक है फाइंड इट्स रेडियस आप बताइए इस वायर में रेडियस क्या निकल के आएगा तो आर डैश की वैल्यू निकालनी है अगर मैं इसको आर डैश बोल देता हूं ये रेडियस आपको दिया हुआ है तो देखो अगर स्फेयर को मेल्ट करके वायर बनाया है तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर आपको नोन होना चाहिए और मैं कहूंगा जो वॉल्यूम स्पेयर का होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो ही वॉल्यूम इस वायर का भी होगा तो मैं ऐसा बोल देता हूं वॉल्यूम ऑफ वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं सिलेंडर शेप ठीक है तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जब आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये आपका आ जाता है फोर बाई थ्री पायर क्यूब रेडियस इसका आर अलग है विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर सिलेंडर का वॉल्यूम आप देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और ये कौन सा आर स्क्वायर है ये आर डैश है तो यहाँ पे आर डैश स्क्वायर इन टू आर इसका रेडियस इसका आर डैश ठीक है उसका स्क्वायर इन टू हाइट हाइट मतलब लेंथ जो दी हुई ऑलरेडी ठीक है अब देखो इधर भी पाए है इधर भी पाए है तो पाए से पाए कैंसिल आउट कर दिया यहां पे ये आ जाएगा फोर बाय थ्री मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री विच इज़ इक्वल्स टू आर डैश का स्क्वायर आपको निकालना है तो आर डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थर्टी सिक्स और ये दिया था सेंटीमीटर में ये दिया है मीटर में तो एक मीटर अगर हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब छत्तीस मीटर बराबर होगा छत्तीस सौ सेंटीमीटर के बराबर थ्री सिक्स डबल जीरो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दिया हंड्रेड इंटू थर्टी सिक्स तो ये थर्टी सिक्स डबल जीरो आएगा पूरी चीज़ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में सॉल्व होगी तो रेडियस ऑफ दी वायर निकल के आ जाएगा चलिए सॉल्व कर लेते हैं ये थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो गया ये बच रहा है फोर इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाय ये वाला छत्तीस सौ तो थर्टी सिक्स इंटू हंड्रेड कर देता हूं मैं ठीक है विच इज क्वल्स टू आर डैश का स्क्वायर जो आपको निकालना है ठीक है तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर इसको क्लियरली लिख देते हैं ये आर डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एच ठीक है अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा थ्री से ये थर्टी सिक्स छोटा कर देता हूँ या करें नहीं करें करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि रूट निकल के आ रहा है देखो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखाऊं कि डैश क्या निकल के आया तो आप कहेंगे सर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी तो फोर को मैं लिख सकता हूं टू इंटू टू और थ्री इंटू थ्री तो ऑलरेडी था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा थर्टी सिक्स बनता है सिक्स इंटू सिक्स से तो सिक्स इंटू सिक्स और हंड्रेड बनता है टेन इंटू टेन से तो देखो हर जगह मल्टीप्लाई नहीं करना ठीक है मल्टीप्लाई करके टेंशन को नहीं बढ़ाना चीजें सॉल्व होती हुई आपको दिखेंगी आर डैश की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी मतलब रेडियस ऑफ दी वायर कितना आएगा तो आप जब रूट में से चीजों को बाहर निकालेंगे तो एक टू एक थ्री न्यूमरेटर में से एक टू एक थ्री निकल रहा है तो टू इंटू थ्री अपॉन नीचे से एक सिक्स और एक टेन निकल रहा है तो एक सिक्स और एक टेन निकल रहा तो है आगे आंसर ठीक है तो आर डैश तुम्हारा सेंटीमीटर में आया वायर की लेंथ जो मीटर में दी है, रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया था कंप्लीटली सेंटीमीटर में तो ये टू इंटू थ्री होता है सिक्स और ये सिक्स से सिक्स कट गया तो आर डैश की वैल्यू फाइनली आ रही है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर यह आ गई आपकी वैल्यू तो जो वायर 36 मीटर की लंबाई की मेल्ट करके स्पेयर से बनी थी उसका रेडियस आर डैश निकल के आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना था ये हो गया है सेवन क्वेश्चन सोल्व हमारे सामने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या कह रहा है तो आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या दिया था अ अलेंड्रिकल बकेट एक बकेट है जिसका शेप जो है वो सिलेंडर टाइप का अ अलेंड्रिकल बकेट ठीक है थर्टी टू सेंटीमीटर हाई कितनी लंबी कितना बड़ा बकेट था मतलब हाइट में ये था टू सेंटीमीटर और एटीन सेंटीमीटर का इसका रेडियस है तो आर दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस इज फिल्ड विथ सेंड देखो सेंड वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप मेन वीडियो में भी कर चुके जहां पे मैंने बीस क्वेश्चन करवाए दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सेंड इज फॉर्म तो इसमें जो सैंड भरा उससे एक कॉनिकल हीप बन के आया जब इसको ग्राउंड पे खाली गया ठीक है इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर अगर इस कॉनिकल हीप की हाइट 24 सेंटीमीटर बन के आती है ठीक है फाइंड द रेडियस एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द हीप तो ये हो गया रेडियस जो आर डैश में बोल देता हूं और इसकी स्लेंट हाइट निकालनी है जो कि एल होगी ठीक है तो एल आपको निकालना है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वही वॉल्यूम ऑफ कौन होगा तो यहां पे समझना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड। सैंड का पहाड़ हीप ऑफ सैंड। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कौन कौन का वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच πr²h स्क्वायर एच ये थर्टी टू सेंटीमीटर मुझे एच दिया है ठीक है और वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सेंड अगर मैं कोन की बात करूं तो ये होता है वन बाय थ्री पाए आर डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ इट्स हाइट ये हो गई हाइट ठीक है तो उसकी हाइट मुझे पता है ट्वेंटी फोर है आर डैश की नॉलेज नहीं है मुझे बट यहाँ पे आर स्क्वायर एच सब पता है मुझे तो यहाँ से मैं हाइट हाइट है यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ तो देखिए इस चीज़ से हम आर डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इधर भी पाए है इधर भी पाए है सबसे पहले तो पाए को कैंसिल आउट कर देते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में 18 का स्क्वायर दिया है तो 18 इंटू एटीन इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर ये दी है थर्टी टू विच इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड विध आर डैश तो आपको कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड विथ एच आपको दिया है ट्वेंटी फोर क्लियर है तो ये आपको दिया है थ्री एट टाइम्स होता है ट्वेंटी फोर तो ये हो गया एट आर डैश का स्क्वायर निकालने के लिए अगर इसको यहीं पे रहने देते हैं तो ये आठ जो है ये इसके नीचे आ जाएगा मतलब एटीन मल्टीप्लाइड विथ एटीन मल्टीप्लाइड विथ थर्टी टू डिवाइडेड बाई एट ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर एक टू से ऊपर नीचे कटिंग कर दूं तो टू फोर टाइम्स होता है एट और टू वन टाइम्स टू टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व तो यहाँ सिक्सटीन अपॉन फोर आएगा जिसको काट के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा पहली चीज क्यों क्योंकि r dash का स्क्वायर है तो इस साइड रूट भी आएगा तो r dash का मतलब क्या तो r dash आ जाएगा रूट दूसरे साइड पे और इसके अंदर आएगा 18 multiplied with 18 multiplied with 4 into 4 ठीक है अपॉन में एक 4 और है जिस 4 को मैं 2 लिख सकता हूं तो 2 into 2 टू के टर्म्स में लिख सकता हूं यहां से मुझे आर डैश मिल जाएगा तो आर डैश फाइनली कितना आएगा ये आएगा एक एटीन एक फोर और एक टू तो एटीन इंटू फोर बाय टू ये मेरा आंसर है जो कि सेंटीमीटर में आएगा ठीक है तो टू से ये फोर कटा टू टाइम्स एटीन इंटू टू कितना होता है तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी टू इंटू एटी सिक्सटीन थर्टी सिक्स तो एटीन इंटू टू ठीक है टू इंटू एट इज सिक्सटीन कैरी वन थर्टी सिक्स सेंटीमीटर तो ये मेरा आ जाएगा R डैश की वैल्यू मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान था समझ आ गया अब मुझे क्या निकालना है तो मुझे इन्होंने बोला है L निकालिए मतलब स्लेंट हाइट को कैलकुलेट करिए तो स्लेंट हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक ले लेता हूँ ब्लैंक शीट और ब्लैंक शीट में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखना एल निकालने के लिए मुझे पता है कौन का स्लेंट हाइट निकालने के लिए रूट ऑफ एच अंदर एच की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस रेडियस अभी आपने कैलकुलेट किया आर डैश तो आर डैश आ जाएगा आपका थर्टी सिक्स का स्क्वायर तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स का स्क्वायर इसको सॉल्व कर दो एल आ जाएगा तो एल कितना आ रहा है फाइनली तो ट्वेंटी फोर का स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन ये हो जाएगा 96 सिक्स क्रॉस टू इंटू फोर इज एट एंड टू इंटू टू इज फोर सिक्स आठ आठ सोलह सत्रह फाइव सेवेंटी सिक्स तो ये आ जाएगा रूट के अंदर फाइव सेवेंटी सिक्स एडेड विद थर्टी सिक्स का स्क्वायर और थर्टी सिक्स का स्क्वायर सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स इंटू थ्री इज एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्रॉस थ्री इंटू सिक्स इज एटीन एटीन का एट कैरी वन और ये हो जाएगा वन जीरो एट ठीक है सिक्स नाइन टू वन ठीक है तो वन टू नाइन सिक्स ये आ गया इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो रूट के अंदर ये वैल्यू मेरी निकल के आ रही है छ छः बारह बारह का दो कैरी वन दस सौ सात सत्रह सत्रह का सात कैरी वन छः सात आठ और एक हजार आठ सौ बहत्तर ये मेरी वैल्यू निकल के आई रूट की ठीक है अब इसको सॉल्व करना ज़रूरी है तो इसका ले लेते हैं फैक्टर तो 1872 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो टू नाइन टाइम्स एटीन टू थ्री टाइम्स सिक्स टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व एक टू और आ जाएगा टू फोर टाइम्स एट टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू एट टाइम्स सिक्सटीन एक टू और आ जाएगा टू इंटू टू फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स टू फोर टाइम्स एट एक टू और आ जाएगा टू वन टाइम्स टू टू वन टाइम्स टू और टू सेवन टाइम्स फोरटीन तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा फोर रूट एक सो सत्रह फोर रूट एक सत्रह हमारी एल की वैल्यू आई है स्लेंट हाइट सेंटीमीटर में क्लियर है इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना था और अभी तो 117 भी सॉल्व हो रहा है आप लोग कहेंगे सर 117 भी सॉल्व हो रहा है ये तो थ्री से जा रहा है तो देखो थ्री इंटू थ्री नाइन थ्री इंटू थ्री नाइन ठीक है तो टेन इलेवन ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन टाइम्स ट्वेंटी सेवन एक बार थ्री से और जा रहा है तो थ्री वन टाइम्स थ्री 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 टाइम्स नाइन तो ठीक है एक थ्री भी बाहर ले लो तो ट्वेल्व आ जाएगा यही बोलना चाह रहे हो तो ट्वेल्व रूट थर्टीन ये आपका आंसर आएगा ट्वेल्व रूट थर्टीन सेंटीमीटर ये एल की वैल्यू आएगी तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था एल भी आपने कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने यहाँ पे आर डैश भी कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर एट हो गया है हमारा पूरा सॉल्व मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये रहा रेन वॉटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस तो सरफेस कैसा है रेक्टेंगुलर सरफेस है तो मतलब अगर बारिश गिरती है और एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो ठीक है मतलब एक आप ऐसा मान लो कि छत है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ द दे लेंथ देंस सेंटीमीटर लेंथ दी है सिक्स मीटर और ब्रेथ दी है फोर मीटर ठीक है इस ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल इसमें जो पानी कलेक्ट हुआ उसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला तो ये एक सिलेंडर है इसका एक रेडियस होगा और इसकी खुद की भी एक हाइट होगी तो मैं कह रहा हूं हाइट ऑफ द द सिलेंडर सिलेंडर एच सी एंड आर रेडियस ऑफ ठीक है है ये दिया इन्होंने दिलेंडर मीटर इज ट्रांसफर्ड तो मीटर इज ट्रांसफर्ड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर अंदर का रेडियस जो दिया आर सी वो मुझे दिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो सबसे पहले तो आप ध्यान देना ये मीटर में, में दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इफ अ रेनफॉल ऑफ वन सेंटीमीटर हैज फॉलन मतलब अगर बारिश वन सेंटीमीटर की हुई है ठीक है वन सेंटीमीटर तो इसमें जो पानी कलेक्ट हुआ उस पानी को जब सिलेंडर में ट्रांसफर किया तो कितना सिलेंडर की हाइट आएगी कुल मिला के तुम्हें ये पानी जो सिलेंडर में भरा है सिलेंडर की हाइट नहीं चाहिए तुम्हें उस पानी की हाइट चाहिए कि वो पानी की हाइट सिलेंडर में कितनी है तो यहां पे बात को समझना वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा भाई जितना पानी यहां भरा होगा वही तो पानी सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर किया है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जितना भरा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम जो कलेक्ट हुआ है ठीक है अब सिक्स मीटर फोर मीटर सबसे पहले तो सारी वैल्यूज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो एक मीटर क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर होता है तो इस कारण सिक्स मीटर जो है ये सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर होगा और यहाँ पे जो फोर मीटर है ये बराबर होगा फोर हंड्रेड सेंटीमीटर के ये चीज़ समझ आ रही है तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सरफेस अगर मैं देखूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वॉटर इन सिलेंडर तो ये हो जाएगा पाए आर स्क्वायर एच हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर का स्क्वायर क्लियर है तो यहां पे आर सी रेडियस ऑफ द सिलेंडर और ये हाइट ऑफ सिलेंडर ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना है सिंपल तो एल इंटू बी इंटू एच अगर मैं यहां पे करूं तो सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाइड विथ फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड विथ वन सेंटीमीटर की बारिश तो उतना हाइट ठीक है इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड आर सी का स्क्वायर मतलब ट्वेंटी का स्क्वायर तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विथ हाइट इन सिलेंडर तो हाइट इन सिलेंडर हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर एच सी यहां से आप एच सी कैलकुलेट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है तो कर लेते हैं कैलकुलेट देखिएगा सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाइड विथ फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड विथ सेवन अपॉन ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा आपका सॉल्व सिंपल सी बात है क्या हो रहा है सॉल्व होके okay? देखो दो जीरो से ये दो ज़ीरो काट दो और इन टू इंटू टू फोर और ये फोर कट जाएगा तो खत्म कहानी यहाँ पर और ट्वेंटी टू को अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो ये आ जाएगा टू थ्री टाइम्स सिक्स डबल ज़ीरो तो थ्री हंड्रेड एंड इलेवन यहाँ पर टू इलेवन टाइम्स ट्वेंटी टू टू थ्री हंड्रेड टाइम्स सिक्स हंड्रेड तो ये थ्री हंड्रेड यहाँ पर बचेगा फाइनली हाइट ऑफ दिलेंडर कितना आया तो हाइट ऑफ दिलेंडर आपके सामने आ रहा है थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन डबल जीरो अपॉन इलेवन क्लियर है यह आपका आंसर है किसमें सेंटीमीटर में यह सेंटीमीटर में आंसर है तो एक मीटर अब बात को यहां पर समझना क्योंकि एक मीटर तो आप आंसर एक काम करो सेंटीमीटर में दे दो मीटर में देना चाहते हो तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है वन बाय हंड्रेड कर देंगे वो कट जाएगा ट्वेंटी वन बाय इलेवन आ जाएगा तो एक काम करो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं आप मुझे बताइए डेसिमल में क्या आप लोगों का जवाब आ रहा है तो ये आगे आपका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन सिंपल सा छोटा सा बहुत प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन इस शीट में जो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा उसका आंसर भी चेक कर लो वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर टेंथ में क्या लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन कितने कॉइन्स हैं ठीक है ठीके? अगर हर कॉइन का डायामीटर तो ये है कॉइन हर कॉइन का डायामीटर ये है आपका 1.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक तो आपने पांच रुपये का एक कॉइन देखा होगा वो थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप होता है तो जब भी आप कॉइन ले तो ये गलती मत करना फेयर मत मानना उसको हाइट दी है तो यहाँ पे एक सिलेंडर लेंगे हम ये सिलेंडर ले लेते हैं क्योंकि कॉइन की थिकनेस के कारण यहाँ पे हमें सिलेंडर मान के चलना है इसको ठीक है तो ये दिया है आपको सिलेंडर जिसका अपना एक रेडियस है ठीक है और अपनी एक हाइट है तो ये जो हाइट दी है ये मतलब बेसिकली थिकनेस दी है 0.2 सेंटीमीटर की तो 0.2 सेंटीमीटर ये है और डायामीटर मतलब रेडियस हमारा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर क्लियर है तो इस तरीके से रेडियस एंड थिकनेस ठीक है तो ये हमने यहाँ पे लिख दी अब ये बोल रहा है इसको मेल्ट किया तो ऐसे कितने कॉइन मेल्ट करके हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएंगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा ठीक है और कितने कॉइन मेल्ट होंगे तो दैट मीन्स वॉल्यूम की बात हो रही है मेल्टिंग मतलब वॉल्यूम तो इस सिलेंडर का भी खुद का एक जो आप बना रहे हो इसका भी एक रेडियस होगा और इसकी भी एक हाइट होगी तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर ठीक है और ये जो दिया है ये रेडियस और ये जो हाइट दी है ना ये कॉइन का दिया है तो इसको हम एच डैश और आर डैश ले, ले लेते हैं ठीक है तो कॉइन का रेडियस और हाइट हमने एच डैश आर डैश लिया और यहाँ पे सिलेंडर के लिए हमने आर सी एच सी लिखा है चलो आगे क्या बोला है ऑफ हाइट टेन सेंटीमीटर तो जो सिलेंडर बन रही है उसकी हाइट बन रही है टेन सेंटीमीटर जो इनको मेल्ट करने के बाद हमने बनाया एंड द डायमीटर ऑफ फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पे फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का डाया दिया है तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव अपॉन टू सेंटीमीटर का रेडियस तो ऐसे कितने कॉइन को मेल्ट करोगे कि आपका यहां पे सिलेंडर फॉर्मेशन हो जाए तो मैं बोलूंगा मैं N को, N. तो N को अगर मैं मेल्ट करूं और उनका वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन और एन नंबर ऑफ कॉइन्स हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन एन नंबर ऑफ कॉइन्स जब आपस में मेल्ट होंगे तो एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन के आएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है चलिए फॉर्मूला दोनों का लिख लेते हैं तो ये होगा एन नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड विथ पाए आर स्क्वायर ठीक है अपॉन सॉरी πr² आर स्क्वायर इंटू एच तो ये कॉइन में हमने आर डैश और एच डैश लिया था तो ये आर डैश और एच डैश तो कॉइन का वॉल्यूम ऐसे एन नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर तो ये हो जाएगा पाए आर सी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एच सी हाइट ऑफ दाइट ऑफ द सिलेंडर तो बस इसको आपको सॉल्व करना है वैल्यूज उठाओ यहां सब्सट्रीट्यूट कर दो सॉल्व कर दो एन निकल के आ जाएगा दोनों तरफ क्योंकि पाए पाए है तो पाए को तो यहीं पे कैंसिल कर दिया खत्म ये चीज और एन नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन्स वेन मल्टीप्लाइड विथ आर डैश का स्क्वायर मतलब वन पॉइंट फाइव बाई टू तो वन पॉइंट फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड विथ वन पॉइंट फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड विथ एच डैश हाइट ऑफ द कॉइन ये सेंटीमीटर में दिया है जीरो पॉइंट टू तो इसको मैं ले रहता हूँ टू बाई टेन ठीक है और ये सब भी पॉइंट रिमूव कर देता हूँ अपॉन में ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाएगा इंटू टेन इंटू टेन हो जाएगा तो एक काम करिएगा यहाँ पे वन पॉइंट फाइव यहाँ का वन पॉइंट फाइव हटा के इसको पंद्रह कर दिया इसको भी पंद्रह कर दिया यहाँ पे शून्य लगा दिया यहाँ पे भी शून्य लगा दिया इज इक्वल्स टू आर सी का स्क्वायर आर सी का स्क्वायर मतलब फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विथ फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विथ हाइट ऑफ दिलेंडर यह आपका आ जाएगा टेन तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यू मिलेगी क्लियर है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा फोर्टी फाइव बाई टेन ऑलरेडी था मल्टीप्लाइड विथ फोर्टी फाइव बाई टेन ऑलरेडी था मल्टीप्लाइड विथ टेन बाय वन मल्टीप्लाइड विथ ये सब चीजें वहां जाएंगी तो रेसिप्रोकल होके पहुंचेंगी तो ट्वेंटी बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाइड विथ ये टू बाई टेन वहां जाएगा तो टेन बाय टू हो जाएगा क्लियर है इस तरीके से बस सॉल्व कर दो तुम्हारा एन निकल के सामने आ जाएगा चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे तो टेन से टेन कटता हुआ दिख रहा है क्लियरली और यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्टीन आपस में कटता हुआ दिख रहा है तो फाइव थ्री टाइम्स एंड फाइव फोर टाइम्स फाइव फोर टाइम्स एंड फाइव थ्री टाइम्स ठीक है ये टू से ये टेन कटा फाइव टाइम्स और इस फाइव से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ इस टेन को ठीक है तो ये वाला टेन ये फाइव से ये वाला टेन गया तो टू टाइम्स ठीक है और कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो टू से ये फोर मैं छोटा कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे एक टू बचेगा अब देखो क्या क्या बच रहा है बस वो लिख दो थ्री से फोर्टी फाइव भी कट रहा है तो इसको भी काट दो देखो थ्री से ये फोर्टी फाइव छोटा किया तो यहाँ पे बचेगा कितना थ्री फाइव टाइम्स फिफ्टीन फिफ्टीन तो फिफ्टीन इंटू थ्री होता है फोर्टी फाइव और इस थ्री से ये फोर्टी फाइव गया तो यहाँ पे बचेगा पंद्रह तो देखो अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा सब कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पे टू बचा था तो एन क्या आ जाएगा तो एन आएगा पंद्रह मल्टीप्लाइड विथ पंद्रह मल्टीप्लाइड विथ टू मल्टीप्लाइड विथ फोर और ऊपर और कुछ नहीं बचता हुआ दिख रहा तो पंद्रह इंटू पंद्रह तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव और टू ट्वेंटी फाइव ठीक है और टू इंटू फोर इज एट बस ये आंसर आ गया कैरी तो टू इंटू एट इज सिक्स ट्वेंटी सेवनटीन एटीन अट्ठारह सौ कॉइन लगेंगे जिनको मेल्ट करना पड़ेगा तो ये सिलेंडर का फॉर्मेशन हो जाएगा इतना आसान क्वेश्चन था टेंथ क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यहाँ तक चीजों को समझ लिया है तो यहां पे कर लेते हैं बोर्ड क्लियर तो आपकी हो गई यहां पे पीडीएफ कंप्लीट जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दी थी तो ये थी सॉल्यूशन वीडियो जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था तो मूव करते हैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स आपको मिलेगा गूगल पे जब आप टाइप करेंगे तो गूगल राजा से पूछे मैग्नेट ब्रस या मैग्नेट मैग्नेट्रेन्स हिंदी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सिंपल टाइप करिए मैग्नेट ब्रिन्स अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको टाइप करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रस हिंदी आप डायरेक्ट आएंगे हमारी वेबसाइट पे ये दिख रही है आपको हिंदी वेबसाइट और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं टाइप करते हैं मैग्नेट बेंच तो आप स्विच ओवर हो जाएंगे इंग्लिश वेबसाइट के ऊपर तो ठीक है यहां पे मैग्नेट मैग्नेस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100 परसेंट फ्री एजुकेशन दे रहा है शुरुआत में भी मैंने आपको बताया हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से अरेन्ज फॉर्मेट में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी आपको ऐप पे भी मिल जाएगी और आपके घर पर बैठे बैठे आप कर सकते हो आसानी से तैयारी क्योंकि सारी टीचर्स बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट टीचर्स आपको अकेले मिल रहे हैं मैग्नेट ब्रस के प्लेटफॉर्म पे तो बहुत आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना ठीक है वो भी मैग्नेट ब्रेन के साथ बेस्ट टीचर्स के साथ हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में लेकिन तब तक के लिए आपको ये बता दें कि भैया वीडियो को जल्दी से कर लो आप लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाओ अपने ऐसे दोस्तों तक जो घर बैठ के करने जाते हैं तैयारी तो टेंथ क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आप तक पहुंचे अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में कर लो पूरी इंफॉर्मेशन शेयर तो ये हुई है यहां पे वीडियो कंप्लीट हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बाय एंड टेक केयर